नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AQI टेक्निकल बिहार पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi मोबाइल का लॉक फंस जाता है तो उस लॉक को कैसे तोड़ते हैं। दोस्तों बिना कोई कंप्यूटर के मदद लिए लॉक को अभी तोड़ करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको क्या करना होगा, Redmi का मोबाइल ले लेना है सिंपल सा। मोबाइल लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सिम कार्ड को निकाल देना है। दोस्तों सिम कार्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों इस बटन के ऊपर मतलब वॉल्यूम वाला बटन के ऑफ वाला बटन को दबाइएगा और दोस्तों इस बटन को दोनों को एक साथ दबाना है और रिसेट कर देना है फ़ोन को। दोस्तों साथ में एक साथ दबाइएगा दोनों बटन को। दबाने के बाद दोस्तों फ़ोन आपका रिसेट होने लगेगा। देखिए दोस्तों फ़ोन अभी खुलेगा, रिसेट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फ़ोन रिसेट होगा। रिसेट होने के बाद दोस्तों यह देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, वाइप डाटा। दोस्तों इस बटन से निचला बटन से नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों इस वाले बटन से ओके कर देंगे। यहाँ पे जो बटन है इस वाले बटन से ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वाइप ऑल डाटा, वाइप ऑल डाटा पे ओके कर देना। ओके करने के लिए सिंपल सा इसी बटन को दबाना होगा। दबाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कहेगा, कैंसिल करने के लिए, तो आपको कंफर्म कर देना है सिंपल सा। इस वाले नीचे वाले बटन से दबा करके वॉल्यूम डाउन बटन को दबाएंगे, कन्फर्म पर चले जाएँगे और दोस्तों ओके कर देंगे यहाँ से। तो दोस्तों हमारा फ़ोन जो है रिसेट होने लगेगा। देख लीजिए दोस्तों आप लोग, फ़ोन रिसेट हो रहा है और दोस्तों यहाँ पे डाटा वाइप सक्सेसफुली हो गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक टू मेनू में जाना पड़ेगा, यहाँ से इस पर क्लिक करना होगा। इस पर नहीं क्लिक दोस्तों, यहाँ ओके कर देना होगा। ओके कीजिएगा ना तो दोस्तों आपको क्या कर देना है, आप रोबोट कर देना है फ़ोन को, जो है रोबोट कर देना है। रोबोट कीजिएगा दोस्तों, सिस्टम रोबोट कर देना है फ़ोन को, सिस्टम रोबोट कीजिएगा बस। दोस्तों आपका फ़ोन अब अपने आप खुलेगा। देखिए दोस्तों कोई पैटर्न लॉक पूरा टूट जाएगा अपने आप। दोस्तों आप लोग देख सकते हो फ़ोन ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक मैं वीडियो को रोक देता हूं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो फ़ोन ओपन हो चुका है, ओपन हो गया है। दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले बटन यहां पर नज़र आ रहा होगा दोस्तों, तीर टाइप का, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों ये आगे की तरफ दोस्तों आपको इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग में सिलेक्ट कर सकते हो, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ ग्रीन बटन दिख रहा है, इस पर दबाना है। इस पे दबाने के बाद दोस्तों इंडिया आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा फिर से इसी पे दबाना होगा। इस पे दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या करना होगा, दोस्तों आप यहाँ पे दोनों को टिक कर देना है। यहाँ पे नीचे टिक है तो ऊपर वालों को टिक करने के बाद दोस्तों आप लोग टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे इसी बटन पर चले जाना है, इसी बटन पर दबाना है। दोस्तों इस बटन पर दबाओगे फिर से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए सिम कार्ड इसमें नहीं है तो दोस्तों इसी पे दबाना है, इसी पे दबाना है। दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्किप कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे स्किप कर देंगे, यहाँ पर स्किप कर सकते हो आप लोग। या दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर क्या करना होगा, एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना होगा आपको। एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना होगा दोस्तों, एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पर, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक करिएगा इस टाइप से होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे फ़ोन जो है ओपन हो जाएगा। वेट कर लेते थोड़ा, वेट करने के बाद दोस्तों मैं अभी पासपोर्ट इसमें नहीं लगाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है पासपोर्ट लगाने के, लेकिन मैं स्किप कर देता हूँ, स्किप दिस स्टेप। या ये सब करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर आइएगा, बस इसको क्लिक करके एग्री कर देना है, एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल का यहाँ पर वॉलपेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटअप जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपका फ़ोन जो है स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो आप लोग फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा, कोई लॉक फॉक नहीं रहेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मोबाइल जो है ओपन हो चुका है, लॉक भी हट गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉक हट चुका है, देख सकते हो आप लोग लॉक भी हट गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों लॉक भी हट गया है। दोस्तों इसी तरीके से कर सकते हो आप लोग। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।